नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 170 क्या कहता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 170 जो है मित्रों, विधानसभाओं की संरचना, विधानसभा जो होती है उनकी संरचना कैसे होगी, क्या क्या इसकी गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में बतलाता है। तो आपको बता दें, विधानसभा की संरचना होती कैसे है। तो आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा की संरचना, जबकि आर्टिकल 333 में कहा गया है विधानसभा की संरचना करने से पहले नंबर बनेगा है। नंबर कौन सा बनेगा? कम से कम विधानसभा की संरचना में कम से कम 500 सदस्य हो सकते हैं और 60 से कम नहीं हो सकते। किसी एक राज्य में जो विधानसभा राज्य की गठित होती है तो उसमें कम से कम 60 विधायक तो होने ही चाहिए, 60 सदस्य होने चाहिए, 60 मेंबर होने चाहिए। उसके बाद 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम 500 तक ही सीमित होने चाहिए। तो 500 से ज़्यादा नहीं और 60 से कम नहीं, इतना जो कोई राज्य अपना संरचना करने में विधानसभा की सक्षम हो जाता है तो ये विधानसभा पारित हो जाता है। उस केस में हम क्या करेंगे? आपको बताया था कि ना आर्टिकल 170 में 500 से ज़्यादा नहीं और 60 से कम नहीं ऐसे सदस्य चुनने होते हैं तब विधानसभा की संरचना होगी, आर्टिकल 333 को मद्देनज़र रखते हुए। फिर हम बात करेंगे कि विधानसभा की जो संरचना होगी उसमें सीटें कैसे निर्धारित होंगी, है ना। 10 लाख व्यक्तियों पर एक सांसद का प्रावधान था। उसके बाद हमने आपको बताया था आर्टिकल 82 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आपको पढ़ा रहे थे तो आर्टिकल 82 में हमने आपको बताया था जनगणना के बारे में। तो जनगणना क्या है? उस जनगणना में आपको बताया था 1971 की जनगणना पर आधारित अभी तक हमारे वहाँ 524 सीटों पे लगभग चुनाव होता है। वो जो जनगणना है ना सीटों की, वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। फिर आपको बता दें कि हमारे वहाँ संसद की सीटें बढ़ सकती हैं। वो कैसे बढ़ सकती हैं? भारतीय संविधान का संशोधन जो हुआ था, 84वां संशोधन 2002 में 84वां संशोधन हुआ था, तो उसमें कहा गया 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना जो होगी वो 2026 में जब सीटों में परिवर्तन होगा तो 2001 की जनगणना पे आधारित होगा। और वो कहाँ कहाँ गए, वो कहाँ पे कहा गया था? 1971 की जनगणना अभी भारत में चल रही है, विधानसभा सीटें जो हैं 1971 की जनगणना पे आधारित हैं, लेकिन 84वें संशोधन में 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा ऐसा कहा गया था। अगर बदलाव होगा तो 2001 की जनगणना पर आधारित बदलाव होगा। आर्टिकल 82 का पूरा चैप्टर आपको बता रखा है, वहाँ जाके विस्तृत विजिट करें। अभी तो हम आपको आर्टिकल 170 के बारे में बता रहे थे, विधानसभा की संरचना होती कैसे है। विधानसभा की संरचना करने के लिए कम से कम 60 मेंबर होने चाहिए और 500 तक होने चाहिए, है ना। 500 से ज़्यादा नहीं, 60 से कम नहीं, ऐसे मेंबर होने चाहिए आर्टिकल 333 को मद्देनज़र रखते हुए। तो आर्टिकल 170 के अंतर्गत इस प्रकार विधानसभा की संरचना हो जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें मित्रों। मिलते हैं आर्टिकल 171 के साथ। धन्यवाद।